ब्लीच जैसा गोरापन देती है ये होममेड ब्लीच। सिर्फ 10 रुपए में इस ब्लीच को बनाकर आप अपने शरीर के सालों साल पुराने कालेपन, मैल और टैनिंग को निकाल सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अर्शी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इफेक्टिव होममेड ब्लीच शेयर करने वाली हूँ। ये ब्लीच 10 मिनट में आपके शरीर के कालेपन को, टैनिंग को हटा देती है। बॉडी की टैनिंग को हटाने के लिए आप बॉडी पॉलिशिंग कराते हैं, बट थोड़े टाइम बाद आपकी स्किन काली पड़ने लग जाती है। आज जो ब्लीच हम बनाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर में इसको बना सकते हैं, और अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर पर से टैनिंग कालापन मिनटों में निकल जाता है। तो इस होममेड DIY ब्लीच को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए किसी भी ब्लीच का एक्टिवेटर पाउडर। जब भी आप ब्लीच करते हैं हमेशा आपके पास एक्टिवेटर पाउडर बच जाता है, क्योंकि ब्लीच के साथ ज्यादा क्वांटिटी में आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ले लीजिए कोई भी एक्टिवेटर पाउडर। मेरे पास ये गोल्डन का एक्टिवेटर पाउडर था, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं। आधा चम्मच एक्टिवेटर पाउडर आप किसी बाउल में ले लीजिए। नेक्स्ट आपको इसी बाउल में ऐड करना है 1 से 2 चम्मच चोकर। आटा छानने के बाद जो चोकर आपको मिलता है, उस चोकर का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। गाइस, आटे का चोकर हमारी स्किन के कालेपन, मैल, टैनिंग को एक्सफोलिएट करता है। आटे का चोकर से स्क्रब करने से स्किन की रंगत निखरती है, डेड सेल्स निकल जाती है, और जब डेड सेल्स निकल जाती है तो स्किन काफी चमकदार लगती है। 2 चम्मच आटे का चोकर आप इसमें ले लीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है बेसन। गाइस, बेसन स्किन के पिगमेंटेशन हटाने के लिए, स्किन के काले दाग, धब्बे, निशानों को दूर करने के लिए काफी इफेक्टिव होता है। अगर आपने कभी बेसन यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि बेसन के अंदर छोटे छोटे स्क्रब की तरह पार्टिकल होते हैं। ये स्किन के डेड सेल्स को, कालेपन को निकालने में काफी हेल्प करते हैं। बेसन हमारी त्वचा पर हुए सनबर्न को रिपेयर करता है, स्किन को हेल्दी फील कराता है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें ऐड कर लीजिए 2 चम्मच बेसन। बेसन ऐड करने के बाद आपको इन सभी चीजों को मिक्स करने के लिए इसमें यूज करना है गुलाब जल। गाइस, गुलाब जल हमारे स्किन पर से एजिंग साइन को कंट्रोल करता है। गुलाब जल को आप क्लींजर के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप गुलाब जल का डेली इस्तेमाल अपने रूटीन में करते हैं तो आपके चेहरे पर छोटे छोटे दाने, एलर्जी, झाइयां स्किन पर नहीं होती है। तो गुलाब जल काफी अच्छे तरीके से स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखता है। तो इसको मिक्स करने के लिए आपको जितना भी रोज वाटर यहाँ पर चाहिए आप इसमें डाल लीजिए, और रोज वाटर डालने के बाद सारी चीजों को अब हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि एक्टिवेटर पाउडर एक्टिवेट हो जाए और हमारी ब्लीच काफी इफेक्टिवली स्किन पर रिजल्ट दे। जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे तो आपको इसको तुरंत इस्तेमाल करना है। तो ब्लीच आपको अपने हाथों, पैरों पर, जहां पर भी आप लगाना चाहते हैं इसे मलते हुए लगाएं, ताकि इससे आपकी स्किन के डेड सेल्स भी निकल जाए। इस तरीके से आप घर में ब्लीच बनाकर हफ्ते में एक बार यूज करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है। जितनी भी टैनिंग आपकी स्किन पर होती है वो निकल जाती है, आपकी स्किन काफी ग्लोइंग भी नजर आती है। तो सही तरीके से इसको लगाने के बाद मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए अपने हाथों पर छोड़ दिया था, और इसके बाद हाथों को वॉश कर लिया था। अगर आप डेली बाहर आते जाते रहते हैं और आपकी स्किन पर काफी टैनिंग हो जाती है, तो हफ्ते में एक बार इस पैक को लगाकर आप अपने हाथों पैरों की टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन में आपको इससे ब्लीच से भी अच्छा निखार मिलता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज किया है, तो आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। तो इसको ट्राई करें, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।